हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आवर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली अमेजोन पे अमेजोन का ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल जो स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी स्मार्टफोन डील्स देखने को मिल रही है। तो उसमें से मैंने आप लोग के लिए 10 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील पिक करा हूँ। लाइन से सारी डील्स के बारे में बताने वाला हूं, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल डेट एंड बैंक ऑफर के बारे में। तो सेल 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में चलेगा, 4 से 5 दिन टोटल ये सेल चलने वाला है। बैंक ऑफर की अगर हम बात करें, SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एंड एक और एक चीज बता दूं, इससे पहले हमने जो फ्लिपकार्ट के फ्रीडम सेल की भी वीडियो डाले थे, नहीं देखे हो डेफिनेटली आई बटन में लिंक दे दिया, उसके बाद में चैनल पर आप चेकआउट कर लेना। चलिए मैं लाइन से 10 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील ये सेल में से आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहली डील की अगर हम बात करें, आपको देखने को मिलता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord CE 3 5G। इसका पहला फ्लैश सेल यही सेल में स्टार्ट होगा, मतलब ये 27,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, लेकिन ऑफर वगैरह लगा के इफेक्टिवली ले पाओगे 25,000 रुपीस में। एंड फॉर दैट प्राइस पॉइंट हाईली रिकमेंडेड है, डिजाइन बढ़िया से मिल जाता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, Snapdragon 782G की आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल आर कैमरा है, Sony IMX890 वाला सेंसर है विद OIS, तो कैमरा परफॉर्मेंस काफी सॉलिड है। ऑक्सीजन OS में यहां पर ये रन करता है, 5000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो 25,000 रुपए में एक तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, सैमसंग लवर लोग के लिए सैमसंग M34 5G स्मार्टफोन 19,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की डेट में सारे ऑफर लगा के ले पाओगे 17,000 रुपए में। एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट सैमसंग लवर लोग के लिए किसको लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, 6,000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, कैमरास वगैरह तगड़े, OIS वगैरह देखने को मिल जाता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जबरदस्त वाला देखने को मिलेगा, अपडेट्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखने को मिलेगा। कमियों के बारे में बात करें, इसका प्रोसेसर यहां पर आपको Exynos का 1280 वाला 5G चिपसेट मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है, गेमिंग आप इसमें नहीं कर पाओगे, सीरियसली बता रहा हूं। एंड चार्जर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, तो आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं चाहिए, लेकिन कैमरा, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बड़ी बैटरी चाहिए, सैमसंग का भरोसा चाहिए, तो डेफिनेटली 17,000 रुपए में आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहां पर आपका रेडमी का लेटेस्ट और लॉन्च हुआ रेडमी 12 5G स्मार्टफोन, सारे ऑफर लगा के चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन कह सकते हो, 11,000 रुपए में देखने को मिलेगा, हाईली रिकमेंडेड है, डिजाइन बढ़िया सी है, ग्लास बैक मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, साथ ही में Snapdragon 4 Gen 2 की ये प्राइस पॉइंट पे बढ़िया वाली परफॉर्मेंस है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, 5000 mAh बैटरी, 18 वॉट की चार्जिंग, तो 11,000 रुपए का बजट है, 5G स्मार्टफोन चाहिए, आंख बंद करके आप ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट डील है यहाँ पर फ्लैगशिप किलर वाली IQ की तरफ से, IQ Neo 7 Pro 5G स्मार्टफोन, ये लॉन्च हुआ था 35,000 रुपीज में, लेकिन ये सेल में सारे ऑफर लगा के इफेक्टिवली ले पाओगे 32,500 रुपीज में, हाईली रिकमेंडेड है, डिजाइन बढ़िया है, 120 हर्ट्ज़ का AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Plus Gen 1 की तगड़ी वाली परफॉर्मेंस है, इससे बेटर चिपसेट ये प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कैमरास वगैरह भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट मैं कहूंगा, फ्रंट टच ओएस पे रन करता है, 5000 mAh बैटरी, 120 वॉट की चार्जिंग, तो 30 से 32,000 रुपए का बजट है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक एक तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, स्पेशली कर्व डिस्प्ले लवर लोग के लिए, लावा अग्नि 2 5G स्मार्टफोन, ये 22,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, आज की डेट में आपको 21,000 रुपए में देखने को मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी है, डेफिनेटली देख सकते हो, ग्लास बैक है, कर्व AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, डेमेंसिटी 7050 5G की मैं कहूंगा डिसेंट परफॉर्मेंस है, कैमरास वगैरह भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही है, स्टॉक एंड्रॉइड है, तो नो एड्स, नो ब्लोटवेयर, साथ में बड़ी बैटरी मिल जाती है, 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, तो 21,000 रुपए का बजट है, कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में, डेफिनेटली इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, आपको मिलती है IQ की तरफ से IQ Z7S 5G स्मार्टफोन, ये लॉन्च होता अराउंड 19,000 रुपए में, लेकिन आज की डेट में सारे ऑफर लगा के आप ले पाओगे अराउंड 17,000 रुपीज में, एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट हाईली रिकमेंडेड है, डिजाइन बढ़िया से मिल जाता है, 90 हर्ट्ज़ का AMOLED डिस्प्ले, साथ ही में Snapdragon 695 की डिसेंट परफॉर्मेंस है, कैमरास वगैरह तगड़े, OIS देखने को मिल जाता है, 4500 mAh की बैटरी है, 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कुल मिलाकर अगर आपका बजट अराउंड 17,000 रुपीज का है, आपको एक वेल बैलेंस ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, अच्छे कैमरास के साथ में, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में, तो डेफिनेटली इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील आपको देखने को मिलती है Redmi की तरफ से, Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन, ये जब लॉन्च होता अराउंड 18-19,000 रुपीज का था, लेकिन आज की डेट में सारे ऑफर लगा के मिलेगा 15,000 रुपए में, एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट हाईली रिकमेंडेड है, डिजाइन बढ़िया सी है, 120 हर्ट्ज़ का एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, Snapdragon 4 Gen 1 की मैं कहूंगा डिसेंट परफॉर्मेंस है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल आर कैमरा है, सेंसर्स वगैरह में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 5000 mAh बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो 15,000 रुपए में AMOLED डिस्प्ले के साथ में एक डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, तो डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, अंडर 20
30,000 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट डील है। टेक्नो कैमोन 20 प्रो 5G स्मार्टफोन, ये लॉन्च होता अराउंड 20,000 रुपीज में 828 वाला वेरिएंट, लेकिन ऑफर में आपको मिलेगा अराउंड 18,000 रुपीज में एंड 18,000 रुपए में डेफिनेटली मैं बोलूंगा ग्रैब कर सकते हो। डिजाइन बढ़िया सी मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, डोमेसिटी 8050 5G की बढ़िया वाली परफॉर्मेंस है, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल आर कैमरा है, OIS भी यहाँ पर दिया गया है, साथ ही में यहाँ पर टेक्नो वाले के OS पे यहाँ पर ये रन करता है। उसी के साथ में बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग आपको 33 वॉट की देखने को मिल जाती है। तो 18,000 रुपए का बजट है, परफॉर्मेंस, डिजाइन, डिस्प्ले, डिसेंट कैमरास एंड आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो डेफिनेटली इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील अगेन एक फ्लैगशिप किलर डील है IQ की तरफ से, IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन, इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ अराउंड 30,000 रुपीज में, लेकिन आज की डेट में सारे ऑफर लगा के इफेक्टिवली ले पाओगे 26,500 रुपीज में, हाईली रिकमेंडेड है। प्रो वाला ये सिर्फ चिपसेट में आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर भी आपको डिजाइन बढ़िया मिल जाता है, 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ पर आपको जो है डोमेसिटी 8200 5G की यहाँ पर आपको फ्लैगशिप ग्रेड की परफॉर्मेंस है, ये कोई वीकर चिपसेट नहीं है, 8 लाख के अराउंड आपको इंट्रोड्यूस स्कोर मिलता है, गेमिंग वगैरह मक्खन कर पाओगे। उसके साथ में कैमरास बढ़िया है, OIS देखने को मिल जाता है, 5000mAh बैटरी, 120 वॉट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। तो कुल मिला के 25-26,000 रुपए के आसपास का बजट है, एक तगड़ा फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन चाहिए, IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन की तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील यहाँ पर अगेन फ्लैगशिप किलर नहीं है, ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन आप कह सकते हो, Xiaomi 12 Pro 5G स्मार्टफोन, ये जब लॉन्च हुआ था इंडिया में अराउंड 60,000 रुपीज के आसपास था, लेकिन आज की डेट में सारे ऑफर लगा के आप ले पाओगे अंडर 40,000 रुपीज में एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट सीरियसली गुड स्मार्टफोन, बिल्ड क्वालिटी फ्लैगशिप ग्रेड की मिल जाती है, 2K रेजोल्यूशन वाला आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, फ्लैगशिप ग्रेड का है। उसी के साथ में स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 की यहां पर आपको तगड़ी वाली परफॉर्मेंस मिल जाती है, कैमरा 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल आर कैमरा, तीनों 50 मेगापिक्सल के कैमरा, टेलीफोटो लेंस भी है एंड कैमरा परफॉर्मेंस प्राइस पॉइंट के सबसे काफी जबरदस्त है। MIUI यहां पर आपको देखने को मिलता है, बड़ी बैटरी है, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो 40,000 रुपए के आसपास का बजट है, एक तगड़ा फ्लैगशिप किलर नहीं फ्लैगशिप स्मार्टफोन परचेज करना है तो इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। सो गाइस ये ओवरऑल यहाँ पर 10 धमाकेदार स्मार्टफोन डील मुझे लगी थी अमेजोन के फ्रीडम सेल में से, मैं सच डेफिनेटली आप लोग के साथ में शेयर करना तो बनता है। सो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये सारी डील्स में से आपको पर्सनली कौन सी डील पसंद आई, क्या आपने इसमें से ऑलरेडी कोई डील को ग्रैब कर चुके हो, वीडियो देखने के बाद करने वाले हो, ये डील को लेके कुछ क्वेश्चन है कुछ क्वेरीज है मुझे पूछ लेना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि सुनाई होगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए thank you।